बड़ी खबर निकल कर आ रही है होमगार्ड जवानों के लिए दोस्तों, रिमांड पर तुरंत कार्रवाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र है दोस्तों, जिसका विषय है कि सभी कोरोना योद्धा दिल्ली होमगार्ड के सभी जवानों की सुरक्षा फाइल मंगवाकर पास कराने हेतु प्रार्थना पत्र और बार बार जो दौड़ लगवाई जाती है वो बंद कराई जाए, होमगार्ड का नाम बदलकर दूसरा नाम रखा जाए, वर्दी भी बदली जाए, पीएफ और मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए, सैलरी बढ़ाई जाए, दिल्ली के होमगार्ड एवं महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षा हेतु शस्त्र उपलब्ध कराए जाएं, दिल्ली से बाहर होमगार्ड को जो सुविधा दी जाती है वो सभी दिल्ली के होमगार्ड के जवानों को दी जाए, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के पुलिस कांस्टेबल के समान सुविधा दी जाए। दोस्तों मान्यवर सभी ने निवेदन है कि मैं अपने कार्यालय में एक पत्र दिया है जिसकी डायरी संख्या मान्य श्री सत्येंद्र जी मिश्रा को एक पत्र दिया है जिसकी डायरी संख्या 11/1/2021 है। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी को भी दिनांक को भारतीय डाक द्वारा एक पत्र दिया गया था। श्रीमान चीफ सेक्रेटरी को भी दिनांक 2/3/2021 को पत्र दिया गया था। श्रीमान प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली को भी पत्र दिया था। वीर अर्जुन हिंदी समाचार पत्र में भी होमगार्डों ने नियमित करने की मांग को प्रकाशित किया था तथा मीडिया के सामने भी लंबे समय से अपनी मांगों को मनवाते आ रहे हैं। पूरे भारत के होमगार्ड के जवान अपनी मांगें बताते रहते हैं लेकिन अब तक सारी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। पूरे भारत में होमगार्ड जवानों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया है, यही कानून पूरे भारत के सभी होमगार्डों के लिए होना चाहिए। पीएफ मेडिकल शस्त्र की सुविधाएं रिन्यूअल के समय होमगार्ड से दौड़ लगवाई जाती है जो पूरी तरह बंद होनी चाहिए। भर्ती के समय सारी औपचारिकता होमगार्ड पूरी कर चुके हैं। कई बार ड्यूटी के दौरान दुर्घटना हो जाती है तो होमगार्ड दौड़ने लायक नहीं रहता, अतः होमगार्ड को नौकरी से ना निकाला जाए और दौड़ पूरी तरह बंद हो जाए। होमगार्ड की आयु को देखते हुए दौड़ लगवाई जाए। अगर होमगार्ड शरीर से अपंग है तो उसे बैठने का कार्य करवाया जाए क्योंकि सभी होमगार्ड शिक्षित होते हैं और होमगार्ड की मेहनत को सैलरी बढ़ाई जाए। अनुशासन और ईमानदारी से सभी होमगार्ड ड्यूटी करते हैं। जब वो अपनी फाइल की पैरवी करते हैं तो कभी कभी हमें सचिवालय भी भेजा जाता है तो कभी एलजी ऑफिस भेजा जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो कांस्टेबल को सुविधाएं मिल रही हैं वही दिल्ली के होमगार्ड जवानों को मिले और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। माननीय उपराज्यपाल साहब जी से सभी दिल्ली होमगार्डों को हमेशा भला किया है। होमगार्ड को आप पर पूरा विश्वास है कि तुरंत कार्रवाई करके खुशखबरी देंगे। जो भी एलजी साहब बने हैं उन्हें सभी होमगार्ड की सुरक्षा फाइल को पास किया। माननीय उपराज्यपाल साहब को मैं दिल से धन्यवाद कैसा हूँ। ऐसा कर दो काम कि दो रोटी मिल जाए शाम को। दोस्तों दिनांक 3/3/2021 भाव दिए कोरोना योद्धा दिल्ली होमगार्ड श्री सुनील कुमार। दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है दिल्ली होमगार्ड जवान की दोस्तों, जिसमें वो अपनी मांगों को पूरी कराने की मांग की है। तो दोस्तों आपको ये खबर कैसी लगी? खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय दिया, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत